हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं मिनी मॉक टेस्ट 3। इसके पहले हमने पार्ट 2 तक किया था, बीच में एक दिन का कंप्लीट गैप दे दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे कमेंट्स आए कि पार्ट 3 काहे नहीं आया भाई। तो पार्ट 3 आ गया आपका, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो आप लोग मिनी मॉक के अंदर। क्या बात है भाई, मज़ा आ रहा है क्या इसके अंदर? कमेंट करके बताना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, बिकॉज आज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों की PDF मैं रात में अपलोड करूँगा, क्योंकि PDF मैं एक बार चेक करता हूँ कुछ कुछ टाइपिंग एरर तो सुधार के फिर टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाती है। आप टेलीग्राम पे सर्च करो, नीचे मैंने बता रखा है @A2ZStudy, और ज्वाइन कर लो, ठीक है। बाकी हमारी पेड PDF को अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप खरीद के एग्जाम से पहले बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कर लो, और एग्जाम में 100% रीजनिंग, 100% मैथ, सेम टू सेम पैटर्न पे आएंगे जो कंसेप्ट यूज करके हमने PDF में दिया है, ठीक है। साथ में करंट अफेयर और GK भी 60-70% आ जाती हैं, और इंग्लिश की वोकैब ऑलमोस्ट 80-90% आती है, और ग्रामर तो 100% सेम रूल पे आता है, ठीक है। तो सारे PDFs को अगर बाय करना चाहते हो व्हाट्सअप करके बाय कर सकते हो 7279047787। हमारी टीम मेंबर वहाँ पे बता देगी किस तरीके से पेमेंट करना है। सारे PDFs के प्राइस 220 रुपीज़ है, ठीक है, और बस वो बता देंगे किस तरीके से पेमेंट करना, और व्हाट्सअप पे PDF सेंड कर दी जाएगी। बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेस्पिकेबल का पूछा जा रहा है। बताओ एंटोनिम क्या है, डेस्पिकेबल का मतलब क्या होता है? डेस्पिकेबल का मतलब होता है अप्रिय होना, ठीक है। क्या होना भाई, डेस्पिकेबल का मतलब होता है अप्रिय होना, जो चीज आपको पसंद नहीं आ रही है या फिर जो पसंद करने के लायक ना हो वो। अब ऑप्शन में देखो, है हमारे पास कंट्रोल, क्या इसका एंटोनिम हो सकता है नियंत्रण करना? नहीं। रेपुटेबल, रेपुटेबल मतलब जिसकी ना लोकप्रियता ठीक ठाक हो, लोग उसको पसंद करते हो, ठीक है। जो चीजें रेपुटेबल है उसी को इंसान पसंद करता है। डिग्रेड करना मतलब किसी को कम करना, लाइक डाइजेस्ट मतलब पचाना। बताओ इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो अप्रिय का मतलब जिसको पसंद किया जाता है, और डेट इज रेपुटेबल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कह रहे इफ यू जस्ट डैश मी फॉर फ्यू मोर मिनट्स वी विल हैव ऑल द पेपर वर्क फिनिश्ड। अगर तू हमारा साथे कुछ देर रह जीबा, ठीक है, तो क्या कह रहा है भाई, हमने के सब काम कंप्लीट कर लिए, भोजपुरी में ऐसे बोलते हैं ना, तो वही हिंदी में, अगर तुम मेरे साथ कुछ देर और रुक जाओगे तो हम लोग सारा पेपर कंप्लीट कर लेंगे। तो रह जाओगे का मतलब क्या, तुम मेरे साथ थोड़ा देर और बर्दाश्त कर लो, कहते हैं ना, तो बियर विथ का मतलब होता है बर्दाश्त कर लेना, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। द फीलिंग ऑफ नॉट बींग इंटरेस्टेड इन और enthusiastic अबाउट anything, मतलब एक वन वर्ड पूछा जा रहा है कि ऐसी फीलिंग, एक ऐसा भाव जिससे कि किसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, ना ही enthusiastic हो आप किसी चीज़ को लेके, उत्साह भी नहीं है कि हाँ वो मेरी होती या वो मेरा होता या फिर ये चीज़ मेरा होता होती, कुछ भी नहीं, आपको लग रहा है ठीक है जो है वो है, ठीक है, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। डेट इज़ कॉल्ड apathy। apathy का मतलब ही होता है उदासीनता के अर्थ में, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, फिफ्थ नहीं है, फोर्थ नंबर, क्रॉस वंस फिंगर, ये है एक एडियम, इसका मतलब क्या होता है क्रॉस वंस फिंगर्स का? मतलब क्रॉस वंस फिंगर्स का मतलब होता है, जैसे मान लो क्रॉस फिंगर्स का मतलब क्या होता है, लाइक ऐसे ऐसे तो क्रॉस करते हैं, ऐसे क्रॉस के बारे में नहीं कह रहे, आप दोनों हाथ को जोड़ते हो, और देखते हो कि कुछ लोग मूवीज वगैरह में, अगर आप फिर आप भी देखा होगा, दोनों हाथ को जोड़ के सारे उंगली को फंसा के चर्च में जाके ना विश करते हैं कि हे गॉड हमको ये मिल जाए वो मिल जाए, ठीक है, वो वगैरह वगैरह चीज़ें। तो मतलब दोनों हाथ जोड़कर नहीं, दोनों हाथों को जैसे जोड़कर हम तो भगवान के सामने हाथ जोड़ लेते हैं, बट कुछ आपने देखा होगा लोग क्रॉस फिंगर्स भी कर लेते हैं, सारी उंगलियों को फंसा लेते हैं एक दूसरे में और विश करते हैं, ठीक है। डैट इज़ की मतलब होप फॉर गुड लक, मतलब कुछ अच्छा होने की आशा करना, उम्मीद करना कि हाँ भाई कुछ अच्छा हो जाए, या फिर कहते हैं ना क्रॉस वंस फिंगर, या फिर आपने देखा होगा दो, एक हाथ की दो उंगलियां होती हैं उनको लोग ऐसे क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है, नहीं आपने देखा होगा कैसे क्रॉस करके, मैं करके तो नहीं दिखा सकता यहाँ, कहते ना कि हाँ भाई चल चल अब मेरा जो होगा अच्छा होगा, दोनों हाथों की एक एक उंगलियों को ऐसे क्रॉस कर लेते हैं, वो कहते हैं हम लोग क्रॉस वंस फिंगर, मतलब कुछ अच्छा उम्मीद के लिए कर लेते हो आप लोग। फिफ्थ नंबर है आपका कॉमन एरर, बताओ एरर कहाँ पे, द इंग्लिश ऑफन फाउल फ्रेंच। अब भैया ये कह रहे ना कि प्राय जो इंग्लिश है वो फ्रेंच से पटका पटकी करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो इंग्लिश क्या फ्रेंच मतलब क्या भाषा से करते हैं? नहीं ना, ऑब्वियस चीज है, इंग्लिश किसी सब्जेक्ट के नाम के पहले द लगा दिया गया, द इंग्लिश का मतलब हो गया ये जो उस कंट्री के हैं, इंग्लिश किसको कहा जाता है, ठीक है, जो ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ब्रिटिशर्स हैं, उनको कहा जाता है इंग्लिश, और वो अक्सर क्या किया करते थे, फ्रांसीसियों से लड़ा करते थे। इंडिया में भी आपने देखा होगा ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में बहुत सारा युद्ध हुआ था, वर्ण निवास का युद्ध हुआ था,
खैर छोड़ो कहाँ मैं इंग्लिश इतिहास में पहुंच गया। तो अक्सर उनके बीच में लड़ाई हुआ करती थी, तो ठीक है फ्रांसीसियों के बीच लड़ाई होती थी ना कि फ्रेंच भाषा के साथ, तो ऑब्वियस चीज है फ्रांसीसी इंसान के साथ। तो जब जब भी किसी लैंग्वेज के नाम के पहले द लग जाए तो वहां के उस इंसान का बारे में जिक्र हो रहा होता है, तो द फ्रेंच होगा ना कि फ्रेंच होगा। ठीक है फ्रेंच तो एक फ्रांस भाषा हो गई ना, वो द फ्रेंच का मतलब हो गया वहां के लोग, स्पेशली सोल्जर्स। चलो क्योंकि लड़ाई तो पर्सन टू पर्सन हो नहीं रही होगी वहां पे, वहां के सोल्जर्स ही लड़ रहे होंगे। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो सोल्जर्स की बात की जा रही है। अब इसके अंदर बताओ, ही स्पीक्स प्रेजेंटली विथ हर स्टडी एवनिंग बट नॉट टूडे। ठीक है कहना कि उसने कल जो है कल के शाम को उसने तो बढ़िया से बतियाया था, आज कहे नहीं बतिया रहा भाई। तो इसमें क्या एरर है भाई, उसने कल बात किया था ना स्टडी, ओके अच्छे से बतियाया चाहे कैसे भी बात किया, कल तो बात किया ना, तो कल जब बात किया तो स्पीक्स कैसे कह सकते हैं, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में जाते हैं। ठीक है तो यहाँ पे स्पिक्स के जगह पे क्या होगा, स्पोक। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए में एरर है भाई, ही स्पोक प्लेजेंटली, कल के बारे में, स्टरडे आ जाए लेट आ जाए तो समझ में आ रहा है वो पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, सॉरी लेट नहीं लास्ट, यस्टरडे या फिर लास्ट आ जाए तो इसका मतलब पास्ट इंडिफिनिट में सेंटेंस को आपको रख देना है। 7th नंबर कह रहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो सस्पेक्टेबल का मतलब क्या होता है, जैसे कहते हैं ना कि किसी रीजन से आप बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाते हो, कोमल हो जाते हो, पटक से भड़क गया, ठीक है कुछ भी बोला ना तो तुरंत लोग भड़क जाते हैं, तुरंत रोने लगते हैं, वो होता है सस्पेक्टिबल। ठीक है तो यही चीज है, इसका करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन ए ही हमारा इसका सही स्पेलिंग, मैंने हिंदी बता दिया आपको। आगे देखो 8 नंबर कह रहा है द किलिंग ऑफ अ हस्बैंड बाय हिज वाइफ, मतलब वाइफ के द्वारा हस्बैंड की किलिंग, बहुत दर्दनाक है भाई, आजकल किसी पे भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है तो उसको क्या कह सकते हैं वन वर्ड में, देखो रिजिसाइड का मतलब होता है राजा की हत्या करना, ठीक है यूरोसाइड का मतलब होता है ना, एग्जोरोसाइड का मतलब कि वो पत्नी का हत्या करना, अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ का कर दे हत्या डेट इज एग्जोरोसाइड। मैट्रिसाइड का मतलब होता है ना माता की हत्या करना, अगर कोई कमीना इंसान अपनी माँ का हत्या कर दे डेट इज मैट्रिसाइड। और मैरिटीसाइड मतलब कोई वाइफ अगर हस्बैंड को पटक के मार दे जान से तो डेट इज मैरिटी साइड, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। सबका हिंदी लिख लो, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है सी वंडर्ड अलाउड इफ इट वॉज ट्रू दैट टाइम हेल्ड ऑल ओन्स। ठीक है इसका आपको बताना है, क्या बताना है, नरेशन बताओ, डायरेक्ट स्पीच क्या होगा। पहली बात तो ये कि ये टाइम है ना दैट टाइम है, तो यहाँ पे द टाइम कहाँ से आ गया, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, द टाइम आना पॉसिबल नहीं है। और ये जब पास्ट में है तो डायरेक्ट वाला क्या बनेगा भाई, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो प्रेजेंट में होगा, तब ना इसका जाके हमने पास्ट में बनाया तो वाज नहीं हो सकता, तो ए एंड सी कट गया, वाज नहीं हो सकता और यहाँ पे द टाइम नहीं हो सकता। अब देखो अब बी और डी में देखा जाए तो डी में देखो हैज आ गया, हैज हेल्ड, तो अब यहाँ पे हैज और हैड का कोई जिक्र नहीं है भाई, तो हैज कहाँ से आ गया, तो ऑप्शन नंबर 20 बचा। ठीक है चलो आगे देखते हैं। 10th नंबर है डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, सिनोनिम शायद मैंने पहले पढ़ा रखा है वो वोकैबुलरी क्लास में, तो इसका मतलब होता है मेहनती, क्या होता है मेहनती, तो होता है इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का ही मतलब होता है मेहनती। आगे बढ़ते हैं, कह रहा देखो भारतीय बहादुरों के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित अभियान का नाम क्या है। अभी देखो मोदी जी ने ना मन की बात में स्वतंत्रता दिवस से पहले 15 अगस्त से पहले एक चीज का जिक्र किया था कि हमारे देश में जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं उनके लिए पूरे देश के अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम चलाया जाएगा, ठीक है उनको सम्मान दिया जाएगा जिसका नाम होगा उस अभियान का मेरी माटी मेरा देश। ठीक है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है मोदी जी कुछ भी करें चाहे नहीं करें ये चीज़ है, देशभक्ति उनके अंदर और उनको देख के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कूट कूट के भर जाती है। ठीक है सोल्जर्स के लिए भी जो वर्क कर रहे हैं इस तरीके से, बाकी लोग परेशान हैं टीओडी वाले कि अग्निवीर काय लगा दिए, अब इसके ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा। फिर है एक सामान्य वयस्क मानव में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बींग इज 5 to 6 लीटर, 3 to 4 लीटर, 8 to 10 लीटर, 10 to 12 लीटर, कितने होते हैं भाई, 5 to 6 लीटर होते हैं जनरली एक ह्यूमन के अंदर, ओके ना, इससे कम जाएगा तो समझ लो खून की कमी हो जाती है। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पॉलीमर नहीं है, बहुलक नहीं है, तो देखो पहली बात तो ये स्टार्च भी एक है, ग्लूकोज का पॉलीमर है, सेलुलोज भी कहीं ना कहीं ग्लूकोज का ही पॉलीमर है उसी का, ग्लूकोज इन दोनों का रूट है मतलब पेरेंट है, और पॉलीथिन भी इथेनॉल का कहीं ना कहीं आप देखोगे पॉलीमर ही हो जाता है इनका।
बट यूरिया क्या है, कंपाउंड है, ये पॉलीमर नहीं है, कार्बन से ही है रिलेटेड, बट ये कंपाउंड है, क्रिस्टल कंपाउंड कह सकते हो आप यूरिया। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। 14 कह रहा है, बताओ भारत में काली मिट्टी आमतौर पर किस से समृद्ध है, तो काली मिट्टी में क्या होता है। तो देखो काली मिट्टी जनरली आपने देखा होगा महाराष्ट्र गुजरात साइड में मिल जाते हैं आपको ज़्यादा, और उसके अंदर पता है मैग्नीशियम फेरस एल्यूमिना बहुत ज़्यादा मिल जाता है, और हमारे पास तो मैग्नीशियम फेरस तो है नहीं ऑप्शन में, एल्यूमिनिया ही है, एल्यूमिना ही है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है। 15 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, तो सबसे बड़ी नदी द्वीप किस नदी के अंदर है, तो ब्रह्मपुत्रा जो है ना उसी के अंदर, सबसे पूरी भारत की नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्रा के अंदर, जो कि माजुली आइलैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, माधुरी नहीं माजुली याद रखोगे चलो, जो कि जनरली आपको असम में दिख जाएगी। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं 9:7 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समूहपवर्तक 6 है तो उनका लघुत्तम समूहपवर्तक क्या हो जाएगा। भाई देखो अगर आपको किसी दो चीज़ों की रेशियो दे रखी जाएंगी, और देखो रेशियो दी हुई है और उनका एचसीएफ दिया है आपसे, एलसीएम पूछे तो रेशियो के साथ एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देने का, 9:7:6 हमारा ये हो जाएगा एलसीएम, बस 9 7 63 6 3 18 और 9 6 ये कैसे हो गया 63 6 6 36 और 37 ठीक है 738 सॉरी 378। मैं कभी कभार कुछ भी बोल सकता हूँ ये मेरी आदत है, और स्पेशली जब मैं हिंदी बोलता हूँ तो ज़्यादा गलतियाँ पढ़ता हूँ, मेरी एक बहुत ही गंदी आदत है, जबकि मैं हूँ हिंदी मीडियम से और हिंदी पढ़ता ही ना, तो मैं मेरी मतलब होती ना कि मैं स्किप करके ना, और मैं एक लाइन पहले देख लेता हूँ और पढ़ देता हूँ बाद में, वो लेसिन होती है और कुछ नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे 700 समथिंग पढ़ दिया, मेरी 7 पे डायरेक्टली नज़र गई और मैंने 700 इसको बोल दिया, 378 है 378 है, बट ओवरऑल कैलकुलेशन हमारा सही है, कुछ भी गलत नहीं है इसके अंदर। एक बेईमान दुकानदार 20 रुपये प्रति केजी की दर से बाजरा बेचता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मैंने बड़ा शिद्दत से इस सवाल को डाला कि समझाऊंगा आपको अच्छे से, दो तरीके से समझाऊंगा इसको। एक बेईमान दुकानदार ना 20 रुपये प्रति केजी के दर से बाजरा बेचता है, यदि उसने 16 रुपये प्रति केजी के दर से खरीदा होगा उसको, और 100 ग्राम के बजाय 800 ग्राम दे रहा है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो ये भाई दुकान वाले हैं, मैं इसको दो मेथड से समझा दूं, कहो समझा दो हमें क्या जाता है भाई, हम समझ जाएंगे, और ये मेथड टू होगा हमारा। वैसे मेथड टू को उतनी जगह चाहिए नहीं थी, मैंने खामखा दे रखा है उसको, सर पे चढ़ा दिया, जगह कम देनी चाहिए थी इसको। देखो एक बेमान पीआरए है मतलब दुकानदार है, उसको 20 रुपये प्रति केजी के दर से बाजरा बेचता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या है भैया उसकी, 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेच रहा है वो, खरीदा है किसने उसने 16 रुपये के हिसाब से, बहुत सही। अभी चुट्टा कर क्या रहा है ना, देखो वो 1000 ग्राम के बजाय ना 800 ग्राम दे रहा है, देखो लत खुरा ही इसका, उसने खरीदा है कितना भाई 1000 ग्राम, लेकिन वो दे रहा है चुट्टा 800 ग्राम ही। तो एक बात समझना, जब भी हम यहाँ पे दो बार वो प्रॉफिट कमा रहा है, एक तो जितने प्राइस में भी कमा रहा है और एक क्वांटिटी में भी कमा ले रहा है, तो ये तो थोड़ा सा गर्दा उड़ा दे रहा है, ठीक है। तो एक चीज समझना, तो क्वांटिटी में जब भी हम वैल्यू लेंगे प्रॉफिट निकालेंगे, तो जिसने जितना उसको दिया है ना उसके ऊपर प्रॉफिट निकालते हैं, 800 ग्राम दे रहा है तो 800 ग्राम पे प्रॉफिट निकालेंगे, लेकिन अगर हम प्राइस के ऊपर निकालते हैं तो जनरली जनरली जब तक कहा ना जाए कि सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट निकालो, तब तक हम कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट निकालेंगे। मतलब मेरे को एक बार यहाँ पे 4 रुपए की प्रॉफिट हो गई, मतलब मेरे को एक बार यहाँ पे 200 ग्राम की भी प्रॉफिट हो गई, तो ये 4 रुपए कितना प्रतिशत है, तो 4 रुपए कॉस्ट प्राइस का कितना प्रतिशत है भाई, 25% है, ध्यान देना। और ये 200 ग्राम मेरा 800 ग्राम मैंने क्वांटिटी पे, मैंने जितना उसने दिया उस पर कितना प्रॉफिट कमाया, ये भी आपका 25% कमा लिया, मतलब एक बार 25% और फिर दोबारा से 25%, तो मतलब सक्सेसिव प्रॉफिट कितना हुआ दोनों बार, तो 25 प्लस प्लस 25, एकल प्रतिशत निकाल लो इन दोनों का, 25 × 25/100, तो ये 50 हो जाएगा, और ये 25 × 100 हो जाएगा, और ये 6.65 हो जाएगा, सॉरी 6.25 हो जाएगा, डेट इज 56.25 हो जाएगा, आप करके देख लो, ठीक है। अब तो ये हो गया, मैंने एक तरीका बताया क्या कि हमको दो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, एक तो छोटा दो बार प्रॉफिट मार रहा है, एक तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस करने में भी कर ले रहे हैं, और एक चुपचाप ना यहाँ पे बेईमानी कर रहा है ना, वो बोलता है कि हम 1000 ही दे रहे हैं ग्राम, लेकिन वो दे दे रहे 800 ग्राम। आप तो हमारे से सीधे साधे इंसान, हम तो ध्यान देते नहीं है, ईमानदारी पर विश्वास करते हैं, अब तुम 200 ग्राम कम दो चाहे कुछ भी दो, हम लेके आ जाएंगे, बात अलग है घर पे आके डांट सुनना पड़े, ठीक है।
तो वही सीन है। तो इसका मेथड टू क्या होगा? मैंने अभी क्या बोला कि भाई वो जितना दे रहा है वो क्या बोल रहा है कि 800 ग्राम उसने मेरे को दिया, तो उसने मेरे से क्या बोला कि ये 1000 ग्राम ही है, मतलब उसने मेरे को झूठ बोल के दिया। तो कुल मिला के मैं उसके कॉस्ट प्राइस या फिर जिसने खरीद, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि इसने इसी हिसाब से खरीदा होगा, 800 जितना मेरे को दिया उसने इसी हिसाब से, इसने 1 किलो समझ के खरीदा होगा, उसने भी तभी मेरे को दे रहा है। कहने का मतलब ये समझो, अगर मैं आपको ये बोलूँ ना कि 800 ग्राम ले जाओ, यही एक मैं आपको बता नहीं रहा हूँ 800 ग्राम दे के वैल्यू को, और मैं कहता हूँ कि 1 केजी है, तो आपके मन में क्या आ रहा है कि मैंने भी 1 केजी इतनी ही क्वांटिटी में खरीदी है तभी आप मुझे बेच रहे हो, ठीक है, आपको मैं बेच रहा हूँ। तो कुल मिला के 800 ग्राम को ही वो कॉस्ट प्राइस का एक हिस्सा मान लेता है, ठीक है, क्वांटिटी मान लेता है। तो हम लोग इसी को ना बना लेंगे अब रेशियो के मेथड से, हम लोग कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस के हिसाब से निकालेंगे। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि हमारी कॉस्ट प्राइस ही 16 के हिसाब से, लेकिन उसने कितना दिया 800 के हिसाब से दिया ना, तो हम लोग जो हमने सेल किया उसको कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर लो। रेशियो सेलिंग प्राइस क्या थी 20 के हिसाब से, लेकिन तो भैया उसको प्रॉफिट हो जाएगा 1000 ग्राम के हिसाब से, दुकानदार को तो पता है ना कि 1000 ग्राम मेरे को मैंने खरीदा है लेकिन मैं बेच रहा हूँ 800 ग्राम। तो कुल मिला के जो सेलिंग प्राइस थी ना उसके कॉस्ट प्राइस थी, कुल मिला के जितना खरीदा था उसने, जितना खरीदा था उसको सेलिंग प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जितना बेच रहा है उसको कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। रेशियो के बेसिस पे बनाओगे तो दो तरीका मैंने बताया आपको, ये हो जाएगा 4 दुनी 8, और ये हो जाएगा 4 पचे 20, और ये 4 चक्के 16, नहीं ये 2 पचे 10 कर लो, मतलब 16 रेशियो इनका हो जाएगा 25 कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो अब निकाल लो कि मान लेते हैं अगर हमारी सीपी 16 है और सेलिंग प्राइस हमारी 25 है, तो मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ, 9 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो 9 जो है ना 25 का, 9 जो है 16 का कितना परसेंट है, 16 का कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 और ये 25, और इसको करोगे सॉल्व तो अगेन आपका वही आ जाएगा 56.25%। करके देख लो आप एक बार, है ना, दोनों तरीके से आपका यही आंसर आने वाला है। आगे चलते हैं, कह रहा है इतने 2, 3, 5, 6, 9, 18 से विभाज्य वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो एक कंप्लीट वर्ग है, तो मिनिमम वैल्यू बताओ जो इतने से डिविजिबल भी और वो कंप्लीट स्क्वायर भी है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ऑफ 2, 3, 5, 6, 9, 18, ठीक है, 9, 6 है ना यहाँ पे, चलो तो ये 3 से तो डिविजिबल है ना आपका 6, 9 दोनों, और ये 2 से डिविजिबल है 6, ठीक है, और ये 18 भी है, लेकिन 5 से 5 को अलग कर दो, तो ये 2, 3, 6, 9, 18 मतलब एक दूसरे से सब डिविजिबल है, तो बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू 18, 95, तो इनका हो जाएगा 90 एलसीएम। आप अपने हिसाब से निकाल लो, मैंने अपने हिसाब से निकाल लिया, एलसीएम मेरा आ गया 90। अब देखो वो स्क्वायर निकालने के लिए ना वही वैल्यू लेंगे जो 90 से डिविजिबल है इसके अंदर। तो बोलोगे 90 से डिविजिबल तो दुद्दू को मिल रहा है सर मेरे को ऑप्शन में, तो 900 भी मिल रहा है और एक 3600 भी मिल रहा है, रुको ये 90 लेना था मेरे को ना, 900 भी मिल रहा है मेरे को, 3600 भी ले रहा है, तो 90 जो एलसीएम से डिविजिबल कौन है, तो 900 और 3600 दोनों है हमारे पास। तो लेकिन कह रहा है लिस्ट नंबर, ठीक है, वह न्यूनतम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मिनिमम वैल्यू क्या है ऑप्शन में, मीन वैल्यू क्या है 900, तो 900 हमारा आंसर होगा जो छोटी वैल्यू है, 3600 है बट वो तो बहुत बड़ी हो जाएगी, इससे पहले तो 1890 से क्या हो जाएगा 1800 भी हो जाएगा, 2700 भी हो जाएगा, बट जो मिनिमम वैल्यू वो लेके चलना है, मिनिमम वैल्यू बताओ जो एक कंप्लीट स्क्वायर है, तो 900 भी एक स्क्वायर है जो कि मिनिमम वैल्यू है, 3600 भी एक स्क्वायर है जो कि बड़ी वैल्यू है, तो मेरे को छोटी वैल्यू लेनी थी तो मैंने 900 ले लिया। ओके चलो, ये 19 नंबर सवाल कर रहा है, इसको सॉल्व करो जी। इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, 22 - 9 - 6 - अब यहीं पे मैं 10 + 3 13, 13 में से 4 गया मेरा क्या बच जाएगा 9, और ऐसे ऐसे और जो भी है इनका ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। चलो अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, दैट इज ये 9 में से 6 गया माइनस, तो माइनस मेरे को मिल जाएगा 3, और 22 - 9 - 3 और माइनस पहले से, तो +3 मिल जाएगा मेरे को ये, तो ये 22 हो जाएगा ना, 9 3 12, ये 2 से कट जाएगा, 2 6 12, तो 22 - 18 बराबर, ये प्लस लग रहा है, 22 - 18 बराबर मेरे को 4 मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
ओके, बोर्ड मार्क्स के रूल को फॉलो कराना, अदरवाइज गलती हो जाएगा। कह रहा है एक कक्षा में 15 विद्यार्थी और उनका औसत भार 40 kg है। जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो औसत भार 39.5 kg हो जाती है। तो भाई छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार कितना है, तो ऐसे सवाल को कैसे बनाते हैं? आप बेसिक से चले जाओ, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसमें कोई इशू नहीं है। मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, हमारे पास शुरू में कितने लोग हैं भाई, 15 लोग हैं, तो 15 लोगों का एवरेज हमारा 40, तो एग्जैक्ट एज हो जाएगा 15 × 40। इनमें से मान लो एक्स नामक इंसान भाग जाता है तो टोटल कितने लोग बचे, 14, जबकि इनका एवरेज मेरे को मिला 39.5, तो ये हो जाएगा 15 × 60, ये एक्स। अब मेरे को 39 × 39.5 × 14 से करना होगा मल्टीप्लाई, 553 आ जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 600 − 553। अब आंसर जो आ जाता है 47 ना, क्योंकि यूनिट डिजिट इसका 7 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट 7 ऑप्शन नंबर 1 में ही है, इस बेसिस पे मैंने कर लिया इसको। चलो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 21 नंबर सवाल देखो, 21 नंबर सवाल क्या कहता है, यह कहता है कि एक कुड भाषा में मॉक डैन सील को ना नाइस बिग हाउस कहते हैं, फिक कॉन डैन को ना हम लोग हाउस इज गुड कहते हैं, वाम टीम फिक को ना हम लोग कॉस्ट इज हाई कहते हैं, तो गुड को क्या कहेंगे भाई? लिखो लिखो इसको, मॉक डैन सिल को क्या कहते हैं हम लोग, नाइस बिग हाउस। ओके, मैं बोलता हूँ ना इसको फेक कॉन डैन, इसको हम लोग कहते हैं ना हाउस इज गुड। अगर मैं इसको कहना वाम टेर फेक, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट इज हाई। ठीक है, तो क्या कहता है अब, कहता है गुड का मतलब बताओ, इसकी गुड कर देनी। देखो ये गुड हमारे पास तो यहाँ पे है और कहीं पे नहीं है, इसके अंदर मेरे को हाउस की जगह साथ इज मिल रहा है, मेरे को यहाँ पे भी इज मिल रहा है, तो इज इज कटाएंगे तो इन दोनों में क्या मेरे को मिल रहा है, फिक फिक कटा लो, कट गया। अब मेरे को ऊपर में भी हाउस मिल रहा है, नीचे में भी हाउस मिल रहा है, मैं हाउस हाउस कटाऊंगा तो मेरे को ऊपर में ऐसे कौन कौन से दोनों मैच मैच कर रहे हैं, डैन डैन कर रहे हैं, तो डैन की डैन कर दो, बचा मेरे पास गुड की वैल्यू कौन। ठीक है, तो गुड माने क्या हो जाएगा, कौन। चलो 22 हो गया। आप कह रहे हैं ना कि 16 है, 69 है, 281 है, 1129 है, तो वीडियो को रोक के ना इसको आराम आराम से सॉल्व करो। इसमें क्या कर रखा है, 16 × पहले 4 करोगे ठीक है तो मिलेगा 64, प्लस 5 करोगे मिल जाएगा 69। अब फिर मेरे को 69 × 4 करोगे तो मिल जाएगा कितना, 276। मैं अगर 5 ऐड करूंगा डेट इज 281। फिर मैं 281 में अगर 4 कर दूं मल्टीप्लाई, मैं पहले 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ देन 5 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ समझना। तो 1124 मिल जाएगा, देन 5 ऐड करूंगा तो 1125 मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। अब मेरे को 1129 में क्या करना है भाई, 5 सॉरी 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, 4 5, और मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा 16 मिल जाएगा। अब मैं इसमें 5 ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 4521। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, 6 5 11, ठीक है, हमारा कैलकुलेशन कुछ भी गलती नहीं है, सही है इसमें। अब 23 नंबर क्वेश्चन ना, कौन वीर बहादुर है, थोड़ा ईमानदारी से बनाना। अब देखो हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, वीडियो को रोक के हिंदी वाले बनाओ, और इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में इसको बनाओगे आप। ठीक है, अब इसको आप बेसिक से बनाना, ये √145 है, √446 है, √450 है, कितने लोग ईमानदारी से बनाते हो आप इसको सॉल्व करो। मैं इसको देखो बताता हूँ क्या, एक व्यक्ति बिंदु ओ से यात्रा शुरू करता है, बिंदु ए तक पहुंचने के लिए पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चलता है। मैं यहीं पर लिखता हूँ, पहले वो कहाँ गया भाई, गया वो कहाँ, कहाँ गया वो, ढूंढो उसको भाई कहाँ गया, 0 से, अच्छा ओ से स्टार्ट करता है यहाँ से मान लो, और ए तक जाने के लिए वो पूर्व में 20 किलोमीटर चलता है, बहुत सही है। अब फिर यहाँ से ना बी, थोड़ा मैं इसको नीचे बनाता हूँ, ऊपर बनाता हूँ, जगह कम है, और ये 20 किलोमीटर चलता है। ओके, फिर कह रहा है फिर दाएं मुड़ जाता है, बी तक पहुंचने के लिए 10 जाता है, तो दाएं अगर राइट मुड़ेगा तो नीचे जाएगा, दैट इज बी, 10 किलोमीटर। फिर कह रहा है यहाँ से पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है, फिर यहाँ से दाएं मुड़ता है, सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर जाता है, राइट अब मुड़ेगा तो इधर, और 9 किलोमीटर गया सी तक, अब यहाँ से 9 किलोमीटर चला गया, फिर यहाँ से राइट मुड़कर डी बिंदु तक 5 किलोमीटर जाता है, तो अब राइट ऊपर जाएगा डी बिंदु तक 5 किलोमीटर। ओके, फिर यहां से ना बोलता है कि बाएं लेफ्ट मुड़ाओ, इसको ई तक पहुंचाने के लिए 12 ले जाओ।
अब मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ 12 किलोमीटर, इधर से ई पे चला गया ये, तो कह रहा है ना आप बताओ। फिर एफ तक मत ले जाओ, बिकॉज क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ई और बिंदु बी के बीच की न्यूनतम तो दूरी, तो मेरे को ई और बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं एफ का क्यों निकालूंगा, मैं लिखने की जरूरत ही नहीं है एफ पे ले जाने की, मैं उतना ही में उसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट से मेरे को ना इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस चाहिए, ये वाली डिस्टेंस, तो इसके पहले मैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दूंगा, तो मेरे को ट्रायंगल मिलेगा ऐसे, ई मिल गया मेरे को, ठीक है, और यहाँ से मेरे को ये 9 और ऊपर में 12, ये दोनों मिलके मेरे को कितने मिल गए, 9 ये 12 ही था ना हमारा, 10 11 21 किलोमीटर हो गया हमारा। ओके, और ई वैसे ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली 5 है ना हमारे पास सी और डी के बीच की, तो इसके पैरेलल भी ये वाला 5 हो जाएगा, तो इसको कैसे निकालोगे आप, 21 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, डेट इज 441 प्लस 25, मतलब √466 ना कि 46, 466। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ठीक है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो बतिया बराबर है, आप करते रहना इसको बैठ के। फिर कह रहा है एक महिला की ओर तस्वीर, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए भीम ने कहा, वह मेरी माता के पुत्र की एकमात्र बहन है। अब भीम की देखो, माता के पुत्र की एकमात्र बहन, अब इसके माता की पुत्र, अब माता की पुत्र या तो भीम हो सकता है या फिर कोई और भी हो सकता है, लेकिन कोई और भी भाई हुआ तो और उसकी बहन हुई तो ये भीम की भी बहन हो गई ना वो, ठीक है, तो वो महिला भीम से कैसे संबंधित है, ऑब्वियस चीज है, अब भीम से कैसे संबंधित होगी, तो उसकी बहन ही होगी, तो सिस्टर ऑप्शन नंबर डी में ही है, ठीक है ना। पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब होता है दादा, नाइस का मतलब भतीजा भतीजी, डॉक्टर का मतलब बेटी, सिस्टर मतलब बहन। 25th में कह रहा है अगला सीरीज क्या हो जाएगा बताओ इसको, देखो इसमें क्या किया ना, इस वाले फोटो को कुछ ऐसे चेंज किया, तो फिर इसको कैसे चेंज करेंगे कि अगला फोटो आएगा, पहली बात तो ये जो ट्रायंगल है ध्यान देना, इसको मगर नीचे से मिरर लगाएंगे तो ये उल्टा बन जाएगा ऐसे, पहला काम ये करो, ठीक है, तो ये वाली जो फोटो है इसको नीचे से मिरर लगाओगे, जब ये कॉर्नर पे जा रही है डेट विल बी ऐसे, ठीक है, तो ऐसे हमारा कहाँ बन रहा है, ए में और डी में दोनों में। अब देखो ये जो लाइन मेरे को सीधी सीधी खींची गई थी, बीच वाले को अगर मैं छोड़ दूं, ये सीधी सीधी खींची गई थी, तो मेरे को जैसे वर्टिकल था तो ओरिजेंटल कर दिया गया, तो ये मेरे को भी वर्टिकल मिल रहा है, तो मैं ओरिजेंटल ले जाऊंगा, देन मेरे को कुछ ऐसे मिलेगा ये चीज़, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है ना। चलो कमेंट करके बताओ कितने स्कोर किए आपने इसके अंदर, बाकी जाने से पहले फिर से याद दिला दूँ सारी PDFs आपकी हैं, अगर कोई बच्चा हमारी पेड बैचेस बाय कर रखा है A to Z Study ऐप को डाउनलोड करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो उसको PDFs खरीदने की जरूरत नहीं है, वो बैचेस में आपको PDF मिल जाएंगे, अगर आपने बैचेस ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, तो आपको PDF अलग से बाय करना पड़ेगा, व्हाट्सअप करके बाय कर लो और एग्जाम से पहले बेस्ट प्रिपरेशन करो, ठीक है, और मैं गारंटी देता हूँ कि PDF आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और A to Z Study को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।